हेलो बच्चों, वेलकम टू विनिंग स्टडी पॉइंट ई क्लासेस। आज हमें हमारे साइंस का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इससे पहले हमने साइंस का फर्स्ट चैप्टर किया था और उस चैप्टर का नाम था मैटर इन आवर सराउंडिंग, और इस चैप्टर में उसी चैप्टर को आगे एक तरह से कंटिन्यू किया गया है। और इसमें पूछा गया है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, तो मैटर इस पिछले चैप्टर में भी हमारे मैटर के बारे में ही था, इसमें भी हमारे मैटर के बारे में ही है। ठीक है, पर इसके अंदर हमें क्या चेक करनी है, इसके अंदर हमें ये देखना है इस चैप्टर में कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, क्या वो जो भी हम हमारे आसपास चीजें हम देखते हैं, मैटर देखते हैं, क्या वो प्योर हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को। तो जैसा कि इस चैप्टर के नाम में ही एक वर्ड आया है प्योर, ठीक है, यहां पे हिंदी में कहें तो शुद्ध, इस चैप्टर के नाम में ही वर्ड आया है प्योर यानी कि शुद्ध। तो हम कब बोलते हैं कि कोई चीज प्योर है यानी शुद्ध है? आपने इस प्योर वर्ड का इस्तेमाल बहुत जगह सुना होगा, जैसे प्योर मिल्क, प्योर घी। सुना है कि ये घी एकदम प्योर है? आप बोलते ना एकदम प्योर है भाई, बिल्कुल भी इसमें मिलावट नहीं है, बहुत एकदम प्योर है। ठीक है, तो जब कि इस बात का मतलब क्या हो कि प्योर क्या क्या होता है। ठीक है, तो प्योर का मतलब होता है जब किसी चीज में मिलावट नहीं होती। तो ये बात आपको खुद समझ में आती है कि जब आप बोलते हैं कि एकदम प्योर घी है या एकदम प्योर मिल्क है, तो प्योर मिल्क का मतलब आप कहना चाहते हैं कि इसमें पानी या कोई और चीज नहीं मिला हुआ है। ठीक है, कि प्योर मिल्क का मतलब है कि ये शुद्ध दूध है, पानी इसमें नहीं मिला बिल्कुल भी। ठीक है, और प्योर घी का मतलब है कि ये एकदम ये घी है, इसके अंदर कोई दूसरी हमने चीज नहीं मिला रखी है। ठीक है, तो किसी भी चीज में आपने सुना होगा प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड। ठीक है, हम ऐसे ये वर्ड बहुत सुनते हैं हमारे डेली लाइफ में। ठीक है ना, कि प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड का मतलब सिर्फ गोल्ड और उसके अंदर कोई दूसरा मेटल नहीं मिला हुआ है, सिर्फ गोल्ड का बना है। तो जब भी हम किसी चीज को प्योर बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो सिर्फ एक ही चीज से मिलकर बना है, किसी दूसरी चीज से मिलकर नहीं बना। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है कि जब भी हम किसी चीज को प्योर बोलते हैं तो प्योर का मतलब होता है जब कोई कोई भी सब्सटेंस सिर्फ एक ही तरह की चीज से मिलकर बना होता है, एक से ज्यादा तरह की चीजों से नहीं मिलकर बना होता, तो उसे हम कहते हैं प्योर। पर हम नॉर्मल लाइफ में हम अपने ये बोल देते हैं प्योर मिल्क, प्योर घी, चलो गोल्ड तो प्योर होता ही है, इसको मैं मिटा देता हूं, हम यहां पे प्योर मिल्क और प्योर घी की बात करते हैं। तो नॉर्मली अगर मान लो सही में किसी ने दूध में पानी नहीं मिलाया, आपने कोई दूध लिया और सामने वाला आपको बोल रहा है कि वो प्योर मिल्क है यानी कि इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाया गया है, तो क्या साइंस की लैंग्वेज में कोई मिल्क प्योर होता है या साइंस की लैंग्वेज में कोई घी प्योर होता है? तो मैं कहूंगा नहीं। ठीक है, कि साइंस लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में हम साइंस में ये बोलेंगे कि मिल्क, मिल्क अपने आप में कोई प्योर चीज होती ही नहीं है। ठीक है, मिल्क अपने आप में कोई प्योर सब्सटेंस नहीं होता है, या घी भी अपने आप में कोई प्योर सब्सटेंस नहीं होता है, ये दोनों प्योर नहीं होते, ये दोनों इम्प्योर होते हैं, चाहे इसके अंदर आप पानी या और कोई चीज मिलाएं या ना मिलाएं, ये पहले से ही कैसे होते हैं इम्प्योर, कैसे होते हैं ये पहले से इम्प्योर। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये पहले से ही कैसे होते हैं इम्प्योर। क्यों होते हैं इम्प्योर, इसके बारे में भी मैं बता देता हूं आप लोगों को। इम्प्योर ये क्यों होते हैं, क्योंकि प्योर सब्सटेंस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्योर सब्सटेंस हम किसे बोलते हैं, तो वो सब्सटेंस जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है ना, द सब्सटेंस मेड ऑफ वन टाइप ऑफ
पार्टिकल्स आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। ठीक है, हिंदी में कहें तो शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, ये आप लिख लेंगे। ठीक है, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, तो मैं कहूंगा वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि जो सब्सटेंस एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध पदार्थ। ठीक है, अब जो मिल्क है, क्या आप मुझे बताओ कि क्या मिल्क एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना होता है? तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मिल्क के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। आपको पता है मिल्क के अंदर फैट भी होता है, मिल्क के अंदर कैल्शियम भी होता है, मिल्क के अंदर प्रोटीन भी होता है, मिल्क के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो मिल्क अपने आप में कोई प्योर सब्सटेंस नहीं है, ये बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स हो रखी होती हैं, इसलिए मिल्क हमारा कभी प्योर सब्सटेंस नहीं होता, ये एक तरह का मिक्सचर होता है। वैसे ही घी, क्योंकि घी भी मिल्क से बना है, तो जब मिल्क अपने आप में इम्प्योर है तो उससे बना हुआ घी भी इम्प्योर होगा। घी के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग फैट, कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारी चीजें आपस में उसके अंदर मिली हुई होती हैं। वो किसी एक एलिमेंट से मिलकर नहीं बना होता, या एक फिक्स मतलब एलिमेंट के आपस में एक फिक्स रेशो में जुड़ने से भी वो नहीं बनता। इसलिए हम कहेंगे कि घी भी एक इम्प्योर सब्सटेंस होता है। ठीक है, कि मिल्क भी एक इम्प्योर सब्सटेंस होता है और घी भी एक इम्प्योर सब्सटेंस होता है। तो आप पूछेंगे कि हम तो पूरी जिंदगी इनको प्योर बोलते आए हैं, आपने इनको इम्प्योर बता दिया, तो एक्चुअल में प्योर हम किसे कहेंगे कि प्योर चीजें क्या होती है? तो जैसे कि अभी मैंने इससे पहले एक और एग्जांपल लिखा था, प्योर गोल्ड, मैंने लिखा था प्योर गोल्ड। तो गोल्ड एक एलिमेंट है, गोल्ड एक क्या है, एलिमेंट। ये तो एलिमेंट नहीं थे, ये तो बहुत सारे एलिमेंट के मिलने से बनते हैं, पर गोल्ड अपने आप में क्या होता है, एक एलिमेंट। और अगर मैं बोल रहा हूं प्योर गोल्ड, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे गोल्ड के ही पार्टिकल्स हैं, उसके अंदर कोई दूसरे एलिमेंट के पार्टिकल मिक्स नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब कि वो क्या है, प्योर है। ये बात आपको समझ में आ रही है कि जब कोई एलिमेंट, तो यानी कि यहां पे एक बात समझ में आ रही है कि प्योर कौन सी चीजें होती हैं। प्योर की बात करें तो ये आप नोट कर लो, मैं रब कर रहा हूं इसे। ठीक है, तो अगर मैं प्योर सब्सटेंस की बात करूं कि प्योर सब्सटेंस क्या क्या होता है, तो प्योर सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एलिमेंट और दूसरे होते हैं कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट को हिंदी में कहते हैं तत्व और कंपाउंड को हिंदी में कहते हैं यौगिक। ठीक है, एलिमेंट को हिंदी में कहते हैं तत्व और कंपाउंड को हिंदी में कहते हैं यौगिक, यानी कि सिर्फ तत्व और यौगिक ही शुद्ध पदार्थ होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, अब क्या होते हैं एलिमेंट और क्या होते हैं कंपाउंड, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एलिमेंट वो होते हैं जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे अर्थ पे किसी चीज की पाई जाती है, वो एलिमेंट होता है। ठीक है, हम उसे किसी और चीज में ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे वाटर तो दो एलिमेंट से मिलकर बना है, किन किन चीजों से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। ठीक है, या आप दुनिया में जितनी भी चीजें देखते हो ना, सब अगर वो कंपाउंड या मिक्सचर है तो वो बहुत सारे एलिमेंट से जुड़ के बनती है। तो एलिमेंट अपने आप में सिंगल होता है, ये इसको आप किसी और चीज में ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे वाटर को तो ब्रेक कर सकते हैं हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, कार्बन डाइऑक्साइड को हम ब्रेक कर सकते हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन में, तो एलिमेंट जो है इनको और किसी चीज में ब्रेक नहीं कर सकता, ये सिंगल होते हैं अपने आप में। जैसे यही जो हम लिख रहे हैं हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन एल्यूमिनियम गोल्ड, ठीक है,
गोल्ड हो गया, और कौन कौन से, मैग्नीशियम, बहुत सारे एलिमेंट, ये सारे जितने की एलिमेंट होते हैं इन्हें हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ये इसके जितने भी पार्टिकल्स यानी जितने भी एटम्स होते हैं सब उसी से रिलेटेड वही होते हैं, ठीक है ना, सेम एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं, इनमें कोई भी मिक्सचर नहीं होता, ठीक है। दूसरे होते हैं कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं, जब ये एलिमेंट एक फिक्स रेशो में जुड़ते हैं, ठीक है ना, व्हेन एलिमेंट केमिकली बॉन्ड, टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, कि जब दो या दो से, इधर लिख लेना, व्हेन टू और मोर, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स, जब दो या दो से ज्यादा तत्व आपस में रासायनिक आबंध द्वारा एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं, यौगिक कहलाते हैं। हिंदी मीडियम वाले भी साथ साथ कर लें इसको, ठीक है। तो एलिमेंट जो होते हैं सिंगल टाइप के होते हैं, ठीक है, इनके अंदर, इनको और ज्यादा छोटे सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक नहीं किया जा सकता। और कंपाउंड जो होते हैं, इन्हीं एलिमेंट, यही एलिमेंट जब एक फिक्स प्रपोर्शन में आपस में जुड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड, यानी कि यौगिक। जैसे ये वाटर जो है हमारा, H2O, ये एक कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हमारा एक कंपाउंड है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे, मिथेन, ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड है, अनगिनत कंपाउंड है हमारे इस अर्थ पे, ठीक है। बहुत सारे कंपाउंड हम बना सकते हैं, जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे तो आप इन सारे कंपाउंड्स के बारे में धीरे धीरे जानते जाएंगे। फिलहाल हमें बस इनका मतलब समझना है तो हम उनके बारे में जान लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने इतने तीन चार तो लिख दिए, और भी बहुत सारे हैं, आगे की कहानी हम करते रहेंगे, मतलब कंपाउंड्स के एग्जाम्पल जो है हम धीरे धीरे बहुत सारे समझेंगे, ठीक है। फिलहाल आप बस ये समझ ले कि हमेशा एक फिक्स रेशियो में जुड़ते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे H2O का मतलब है कि हाइड्रोजन के दो पार्टिकल और ऑक्सीजन का एक पार्टिकल, ये जुड़ रहे हैं तब जाके वाटर बन रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा फिक्स रेशो है कि हमेशा हाइड्रोजन के दो पार्टिकल और ऑक्सीजन का एक पार्टिकल ही मिलेंगे तभी वाटर बनेगा। ये नहीं कि आज मेरे पास ऐसा वाटर आया जिसमें हाइड्रोजन भी दो है और ऑक्सीजन भी दो है, ज्यादा ऑक्सीजन वाला पानी पी लेंगे, नहीं। तो ऐसा कभी नहीं होता कि उसमें कम या ज्यादा हो जाए। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, भाई एन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में एक नाइट्रोजन और दो ऑक्सीजन के पार्टिकल हैं, तो ऐसा कभी नया नहीं आ सकता कि दो नाइट्रोजन और दो ऑक्सीजन वाला आ जाए। अगर ऐसा कोई होता भी है तो फिर वो कंपाउंड नहीं रहता जो हम, जिसे हम कहना चाहते हैं, ठीक है, वो बदल जाता है, वो कुछ और बन जाता है, ठीक है। जैसे आप CH4 मिथेन होता है, C2H6 इथेन होता है, ठीक है। आपने कार्बन और ये हाइड्रोजन बदल दिया तो उसका नाम भी चेंज हो गया और वो कंपाउंड भी चेंज हो गया। अगर मान लेते हैं ये फोर ही रहने देते हैं, ठीक है, तो ये इथाइन हो गया, ठीक है, मिथेन, ये इथेन से इथाइन बन गया अब ये। अब इसमें C2H4 में और C2H6 में बहुत बड़ा डिफरेंस है, दोनों अलग अलग केमिकल कंपाउंड है, इनके बारे में आप 10th क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो अगर एक भी हमने हाइड्रोजन कार्बन कुछ भी एक भी इधर उधर कर दिया ना तो वो अलग चीज बन जाती है, यानी कि कंपाउंड में हमेशा ये फिक्स रेशो में ही होते हैं। बस इसके अलावा जो दूसरी चीज बचती है, जैसे ये प्योर सब्सटेंस हमने समझ लिया, इसके अलावा जो इम्प्योर होता है, इम्प्योर के अंदर आता है मिक्सचर। क्या आता है? मिक्सचर। जितनी भी इम्प्योर चीजें होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? मिक्सचर। ये शुद्ध पदार्थ हो गए, जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं, अशुद्ध पदार्थ, उसके अंदर क्या आ जाता है? मिश्रण। क्या आ जाता है? मिश्रण। अब आपको जो डिफरेंस समझना है ना मेन, वो इन दोनों में समझना है,
ये तो अलग ही है कि भाई सिंगल एलिमेंट से बना हुआ है, ये भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बनता है, और ये भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बनता है, पर फर्क क्या है दोनों में, हम वो समझ लेते हैं। ठीक है, कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कंपाउंड क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जब फिक्स रेशो में जुड़ते हैं उसे हम कहते हैं कंपाउंड। और दूसरी तरफ जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट फिक्स रेशो में नहीं जुड़ते, यानी उनके जुड़ने का रेशो फिक्स नहीं है, वो किसी भी रेशो में आपस में जुड़ जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं मिक्सचर। ठीक है, तो मिक्सचर जो होता है, तो यहां पे जैसे आपने लिखा व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली बॉन्ड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, पहली बात ये केमिकली नहीं जुड़ते। ठीक है, यहां पे तो केमिकली जुड़ गए, ये केमिकली नहीं जुड़ते। दूसरी बात, ये फिक्स रेशो में जुड़े हैं, ये फिक्स रेशो में नहीं जुड़ते। जो हमारे इम्प्योर सब्सटेंस यानी मिक्सचर होते हैं, ये कभी फिक्स रेशो में नहीं जुड़ते, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये फिक्स रेशो में, कंपाउंड फिक्स रेशो में जुड़ते हैं, और जो मिक्सचर होते हैं वो कभी भी फिक्स रेशो में नहीं जुड़ते। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाटर हमेशा दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के मिलने पे ही बनेगा, पर मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर आप क्या देखते हैं अपने आसपास, बहुत सारी चीजें आप अपने आसपास मिक्सचर देखते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लें कि नींबू पानी, ठीक है, तो नींबू पानी जो होता है, या आप अपनी चाय ले लें, सबसे फेवरेट तो वही होती है लोगों की, हम सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले किसके दर्शन करते हैं, चाय के, कि हाँ भाई सुबह उठे हमें चाय मिल जाए, भाई मजा आ जाएंगे जिंदगी के। तो चाय जो है ये एक तरह का मिक्सचर है, ठीक है, टी इंग्लिश वाले के लिए टी पता ही होगा। तो सोचेंगे आप कि चाय मिक्सचर है, तो इसमें हम कैसे हम कह सकते हैं मिक्सचर है इन, तो आप ये समझ लीजिए कि मिक्सचर में जैसे कि मैंने बताया कि इनका जुड़ने का जो हमेशा होता है फिक्स रेशियो में जुड़ते हैं, पर क्या आप कह सकते हैं कि चाय में चीजें फिक्स रेशियो में जुड़ती है, तो नहीं। ठीक है, चाय अगर आपको पीनी है तो वो किसी भी रेशियो में आप जोड़ सकते हैं। चाय, पहली बात तो चाय बनाने में क्या क्या इस्तेमाल होता है पहले आप वो मुझे बताएं, तो ये बात आप लोगों को पता होगी, शायद आपने बनाई भी होगी, आप लोगों को बनाने आती भी होगी कि चाय कैसे बनाते हैं, तो आपको पता है जब हम चाय बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चाहिए, पानी चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, और मसाले चाहिए अगर हमें मसाले वाली चाय पीनी है, तो अदरक चाहिए, इलायची चाहिए, बहुत सारी चीजें। ठीक है, जैसी हमें चाय पीनी है हम वैसी चाय बना के पी सकते हैं। जिस दिन आपको थोड़ी मीठी चाय, ज्यादा मीठी चाय पीने का मन करता है कि हाँ भाई आज थोड़ा मीठा ज्यादा होना चाहिए, तो आप चाय बनाते वक्त उसमें चीनी ज्यादा डाल देते हैं। जिस दिन आप चाहते हैं कि भाई कड़क चाय पीनी है, थोड़ा सर भारी हो रहा है, कड़क चाय पीनी है, उस दिन आप चाय में चाय पत्ती ज्यादा डाल देते हैं। किस दिन आपको भाई इलायची वाली चाय पीनी है बढ़िया स्वादिष्ट, तो उस दिन आप इलायची डाल देते हैं। किस दिन आपके गले में तकलीफ हो रही है हल्की सी, आपने अदरक डाल दिया उसमें, ठीक है, उस दिन अदरक वाली चाय बन गई। किस दिन और कुछ डाल दिया, चाय उस वाय उस पे आप जाते होंगे, वहां पे देखते हो आप कितनी तरह की चाय बिकती है, तो आप उसमें कुछ भी डाल दें, चाय के अंदर आप कुछ भी चीजें डाल देते हैं, मसाले भी डाल दिए आपने, चाय 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 पत्ती भी डाल दी, चीनी भी डाल दी, तो चाय बन रही है। और वो चाय किसी भी रेशो में डाल दें, आप चाय पत्ती चाहे उसमें 1 चम्मच डालें चाहे उसमें 2 चम्मच डालें, चाय फिर भी बन जाएगी। 1 चम्मच डालेंगे तब भी चाय बन जाएगी, 2 चम्मच डालेंगे तब भी चाय बन जाएगी। चीनी 1 चम्मच डाल रहे हैं तब भी चाय बन रही है, चाय चीनी 2 चम्मच डाल रहे हैं तब भी चाय बन रही है। इसका मतलब क्या है कि चाय बनाने में हमें किसी भी चीज का रेशो फिक्स नहीं है। ठीक है, चाय बनाने के लिए किसी भी चीज का रेशो फिक्स नहीं है कि इतना ही पानी डालना पड़ेगा, इतना ही दूध डालना पड़ेगा, इतना ही चाय पत्ती डालनी पड़ेगी, नहीं। आप किसी भी रेशो में डालें, किसी दिन आप दूध ज्यादा कर देते हैं, किसी दिन आप पानी ज्यादा कर देते हैं, जब आप खुद पीते हैं तो दूध ज्यादा कर देते हैं, जिस दिन मेहमानों को पिलानी होती है उस दिन आप पानी ज्यादा डाल देते हैं, तो ये सब क्या है, तब भी चाय बन के तैयार तो हो जाती है ना। इसका मतलब क्या है कि चाय के अंदर कभी भी चीजों का रेशो फिक्स नहीं होता। और सिर्फ चाय की मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मिक्सचर सिर्फ चाय ही होती है, आपके आसपास बहुत सारी चीजें मिक्सचर होती है, आप जिस हवा में बैठे हैं वो भी एक तरह की क्या है, मिक्सचर। अब आप कहेंगे कि हम तो कहते हैं कि भाई फिक्स है कि इसमें 78 हमारे जो एयर है इसमें नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और बाकी अदर गैसेस जो है 1% के अंदर है, तो नहीं, ये एक अप्रोक्सीमेट आपको बताया जाता है कि इतने परसेंट है, क्या जरूरी है इतने ही परसेंट है, मतलब इसके आसपास है पर
थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, आप खुद ही सोचें, आपके एयर है अभी कमरे के अंदर, आपने वहां पे एक परफ्यूम छिड़क दिया, तो परफ्यूम छिड़केंगे तो उसकी भी तो फ्रेग्रेंस या उसकी में जो भी कंपाउंड है वो आपके एयर में मिक्स हो जाएंगी। तो क्या वो आपके एयर के अंदर जो कंपाउंड्स हैं या जो भी चीजें हैं उनके रेशो को बदल नहीं रही है? धुआं, किसी दिन आग जला दिया आपने, वहां धुआं ही धुआं हो गया, तो उससे एयर के कंपोजिशन का जो है बदल जाता है, फिर भी वो रहता तो एयर ही है। ऐसा तो नहीं है ना कि वो एयर के अलावा कुछ और बन जाता है, वो तब भी क्या रहता है? एयर रहता है। हल्का सा ऊपर नीचे भी हो जाता है तब भी एयर ही रहता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एयर भी एक मिक्सचर है। ठीक है, एयर एक मिक्सचर है, ना कि वो एक कंपाउंड है। ठीक है, ऐसे ही तो एयर हो गया, सॉइल हो गया, सॉइल मतलब मिट्टी, मृदा। जो मिट्टी है भाई उसके अंदर भी बहुत सारी तरह के एलिमेंट्स होते हैं, पर वो एलिमेंट्स थोड़े ऊपर नीचे हो जाएं, ज्यादा हो जाएं, कोई एलिमेंट ज्यादा हो जाए, कोई एलिमेंट कम हो जाए, फिर भी वो रहेगा तो सॉइल ही, वो कुछ और थोड़ी बन जाएगा, तब भी वो हमारे लिए मिट्टी ही रहेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हमारे आसपास जो मिक्सचर होती हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमें सबसे पहले जो पढ़ना है वो मिक्सचर के बारे में ही पढ़ना है। सबसे पहले तो मैंने इनके बीच में आपको डिफरेंस करा दिया कि मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है, कि मिक्सचर के अंदर कभी भी एलिमेंट्स फिक्स रेशो में नहीं जुड़ते, और दूसरी तरफ कंपाउंड में एलिमेंट्स हमेशा फिक्स रेशो में जुड़ते हैं। ठीक है, बाकी हम कंपाउंड की बात बाद में करेंगे, फिलहाल हम मिक्सचर के बारे में बात करेंगे। तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं कि मिक्सचर क्या होता है और कितने तरह का होता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मिक्सचर क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स बिन किसी फिक्स रेशो में नहीं जुड़ते तो उसे हम कहते हैं मिक्सचर। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, एलिमेंट्स भी जुड़ सकते हैं या कंपाउंड्स भी जुड़ सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर। जब और मिक्सचर होने का उनका मेन वो क्या है कि वो फिक्स रेशो में नहीं होने चाहिए। ठीक है, कि फिक्स रेशो में नहीं जुड़े। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था चाय के बारे में, तो जितने भी चाय के अंदर आप कंपोनेंट डालते हैं सबके सब क्या डालते हैं आप? कंपाउंड्स डालते हैं, और बहुत सारे कंपाउंड बिना किसी फिक्स रेशो में डालते हैं, तो उसे हम कहते हैं मिक्सचर, हिंदी में कहते हैं मिश्रण। अब ये जो मिक्सचर होता है ना, ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? तो दो टाइप का, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको समांगी, समांगी मिश्रण, और दूसरी तरफ इसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो क्या होते हैं ये, इनके बीच में डिफरेंस कर लेते हैं। इसके बाद देखो, पहले मैं इसमें आपको एक तीन चीजें समझा दूं, एक छोटी सी बात समझा दूं। इनके बीच में डिफरेंस करने से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं, तीन वर्ड का मतलब समझेगा हमें। एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, और एक होता है सॉल्यूशन। हिंदी में कहते हैं इसको विलय, इसे कहते हैं विलायक, और इसे कहते हैं विलयन। तो इनके बीच में आपको डिफरेंस समझना है, क्या होता है सॉल्यूट, क्या होता है सॉल्वेंट, और क्या होता है सॉल्यूशन। तो जैसे कि अगर आप कोई दो चीजें मिला रहे हैं, मान लो आप पानी के अंदर नमक मिला रहे हो, पानी के अंदर आप क्या मिला रहे हो? नमक, सॉल्ट। तो जो आपके पास कम अमाउंट में होता है, जो चीज आपके पास कम अमाउंट में होता है वो होता है आपका सॉल्यूट। क्या होता है? सॉल्यूट। जो भी चीज आपके पास कम अमाउंट में होती है उसे हम कहते हैं सॉल्यूट, जो आपके पास ज्यादा अमाउंट में होता है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, जो आपके पास ज्यादा अमाउंट में होता है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट, यानी कि विलायक। और इनके मिलने के बाद, इनको जब पानी के अंदर आप नमक को घोल देंगे तो मिलने के बाद जो बनता है उसे आप कहते हैं सॉल्यूशन, उसे आप क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। तो
तो ये बात समझ में आ रही है। सॉल्यूट क्या होता है, जब दो चीजें, दो या दो से ज्यादा चीजें मिलाई जाती हैं, तो जो कम अमाउंट में होता है उसे हम कहते हैं सॉल्यूट, जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट, और दोनों के मिलने से क्या बनता है, सॉल्यूशन। हम इसको एक बात और तरीके से बोल सकते हैं कि जिसे मिलाया जाता है वो सॉल्यूट होता है, जिसमें मिलाया जाता है वो सॉल्वेंट होता है, और मिलके जो बनता है वो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जिसे मिलाया जाता है वो सॉल्यूट, जिसमें मिलाया जाता है वो सॉल्वेंट, और मिलकर क्या बनता है, सॉल्यूशन। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन क्या होते हैं, हिंदी में विलेय, विलायक और विलयन क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अपने होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में। तो होमोजीनियस जो आगे इसको हम बांटते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो ये सिर्फ अकेला होता है और इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। होमोजीनियस एक ही तरह का होता है, इसे हम क्या बोले जाते हैं, बोलते हैं सॉल्यूशन, और हिंदी में क्या बोलते हैं, अभी लिखा था विलयन। तो ये एक ही तरह का होता है जिसे हम कहते हैं विलयन। पर हेट्रोजीनियस जो होता है ये आगे भी दो पार्ट में टूट जाता है, और एक बनता है इसमें से कोलॉइड और एक बनता है इसमें से सस्पेंशन। ठीक है, कोलॉइड एंड सस्पेंशन। तो कोलॉइड को हिंदी में कोलाइड बोलते हैं, कोलाइड, और इसको बोलते हैं निलंबन, निलंबन। ठीक है, तो क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर, सबसे पहली बात करें हम होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट में पूरी तरीके से घुल जाता है उसे हम कहते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे अगर आपने पानी के अंदर आप चीनी घोल रहे हैं, पानी के अंदर आप क्या घोल रहे हैं, चीनी, यह है वाटर और इसमें आप डाल रहे हैं शुगर, इसमें आप क्या डाल रहे हैं, शुगर। तो आप पानी में अगर चीनी डालेंगे तो घुल जाएगा पूरी तरीके से। तो जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में पूरी तरीके से घुल जाता है तो उसे हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। और ऐसा मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट में पूरी तरीके से नहीं घुलता उसे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट में पूरी तरीके से नहीं घुलता उसे हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि अगर आप पानी के अंदर, मान लो इसमें वाटर है और इसमें आप चॉक घोले, या इसके अंदर आप मिट्टी घोले, सॉइल या सैंड, रेत घोले, ऐसा कुछ भी घोलते हैं, सैंड घोले, चॉक घोले, कुछ भी घोले, ये सब कभी इसके अंदर नहीं घुलेगा। ठीक है, पानी में आप जितना मर्जी घोलो ये कभी उसके अंदर नहीं घुलेगा। तो ये एक तरह का क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये बात समझ में आ रही है। तो जब सॉल्यूट में सॉल्वेंट पूरी तरीके से घुल जाता है उसे हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, और जब सॉल्यूट में सॉल्वेंट पूरी तरीके से नहीं घुलता तो उसे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इस बारे में आपको समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब होमोजीनियस जो होता है वो एक तरह का ही होता है जिसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे अगर वाटर में शुगर घुल जाएगा तो इसको हम शुगर सॉल्यूशन बोलेंगे कि आपने वाटर के अंदर शुगर को घोल दिया। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है कोलोइड और एक होता है सस्पेंशन। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कोलोइड एंड सस्पेंशन के बीच में, कि कोलोइड जो होता है इसमें हमें देखने में लगता है कि सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में घुल चुका है या घुला हुआ है, पर एक्चुअल में वो घुला हुआ नहीं होता। क्या मतलब, मैं कह रहा हूं कि जिसमें मतलब कोलोइड कैसा होता है, इसमें हमें देखने में लगता है कि सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में घुला हुआ है पर एक्चुअल में वो घुला हुआ नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मिल्क, मिल्क के कभी आप मिल्क को देखो, दूध को देखो, तो आपको लगे क्या लगता है कभी ऐसा कि इसके पार्टिकल आपस में घुले हुए नहीं है? तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। ठीक है ना, हमें लगता है कि इसके पार्टिकल आपस में पूरी तरह से मिक्स हैं, पर एक्चुअल में उसके पार्टिकल्स आपस में कभी भी मिक्स नहीं होते। ठीक है, वो सेपरेट होते हैं, वो कभी भी पूरी तरह से उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होते। मिल्क हो गया, ब्लड हो गया, मिल्क के अंदर, तो चलो मिल्क के अंदर क्या होता है कि जितने भी इसके अंदर
एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी कंपाउंड होते हैं, जितने प्रोटीन फैट जो भी चीजें होता है इसमें प्रेजेंट होता है, पर वो कभी भी पूरी तरह से मिक्स नहीं हुआ होता है। ब्लड के अंदर भी जितने आपको पता है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये सब आपके ब्लड के प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। ब्लड का आपका प्लाज्मा होता है और उसके अंदर वो ये सब चीजें प्रेजेंट होती है, पर वो उसके अंदर डिजोल्व नहीं होती, ठीक है। तो इसीलिए ब्लड हो गया, मिल्क हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, वो हम क्या इन्हें क्या कहते हैं, कोलॉइड। और दूसरी तरफ जब बिल्कुल भी नहीं घुलता, इसमें तो घुलता नहीं है पर दिखाई नहीं देता ना, वैसे देखने में तो लगता नहीं है कि कोई चीज इसमें घुली हुई नहीं है, ठीक है, देखने में लगता है कि घुला हुआ है पर एक्चुअल में घुला हुआ नहीं होता। और सस्पेंशन में बिल्कुल भी नहीं घुलता, ठीक है। सस्पेंशन में क्या होता है, नीचे बैठ जाता है, जब चीजें सॉल्यूट जो होता है बिल्कुल भी नहीं घुलता सॉल्वेंट में और वो नीचे जाके बैठ जाता है थोड़ी देर बाद, उसे हम कहते हैं सस्पेंशन। जैसे अगर आप पानी के अंदर चॉक पाउडर खोलेंगे तो सारी की सारी जो उसको छोड़ने के बाद थोड़ी देर वो नीचे बैठ जाएगा, या आप उसके अंदर रेत घोलेंगे वो भी नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी चीजें, ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है, सस्पेंशन। तो इनके बीच में आपका डिफरेंस करने के लिए आता है, डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो हम धीरे धीरे करके एक एक करके पहले सबके बारे में समझेंगे और फिर हम इनके बीच में डिफरेंस भी करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन में। फिलहाल आपने आपको ये समझ में आ गया, अब हम बात करते हैं फिलहाल सॉल्यूशन के बारे में। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में, यानी कि विलयन के बारे में, कि क्या होता है सॉल्यूशन यानी कि विलयन। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, ये एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब जिसके अंदर सॉल्यूट जो होता है सॉल्वेंट में पूरी तरीके से डिजोल्व हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। ये एक तरह का कैसा मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर होने के साथ अब इसमें हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन जो होता है इसके पार्टिकल्स, इसमें हमेशा सॉल्यूट पार्टिकल जो होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स वो इनविजिबल हो जाता है, मतलब वो दिखाई नहीं देते। सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बाद में दिखाई नहीं देते जब वो डिजोल्व हो जाते हैं, किसमें, सॉल्वेंट में। जैसे अगर आपने पानी के अंदर नमक घोल दिया, क्या घोल दिया, नमक या चीनी कुछ भी आपने घोल दिया, तो जब आप इसको घोल देते हैं, मिला देते हैं, तो उसके बाद आप देखते हैं चीनी के पार्टिकल गायब हो जाते हैं, ठीक है, वो दिखाई नहीं देते। तो यानी कि उसके जो पार्टिकल्स हैं हम एक तरह से कहते हैं इनविजिबल हो जाते हैं। वो जाते कहाँ हैं, वो हमने पिछली क्लास में, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, जो हमने साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, तो मैंने बताया था आपको कि पार्टिकल जो लिक्विड के यानी कि वाटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, और जितना भी ये जब इस जैसे नमक या आप चीनी को घोल रहे हो उसके अंदर, तो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाते हैं और वो सारे का सारा इसके बीच में जो स्पेस होता है उसमें जाके बैठ जाते हैं, इसलिए वो दिखाई नहीं देते। तो दूसरी बात ये थी कि सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो सॉल्यूशन के अंदर इनविजिबल हो जाते हैं, घुल जाते हैं, ठीक है। तीसरी बात कि सॉल्यूशन जो होते हैं ना इनको हम फिल्टर नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी फिल्टर, ठीक है। तो इनको फिल्टर नहीं किया सकता, ना ही हम इन्हें फिल्टर कर सकते हैं और ना ही जो है इनके पार्टिकल नीचे बैठते हैं। ये नहीं कि अगर आपने पानी के अंदर नमक या चीनी घोल दिया तो थोड़ी देर बाद वो नीचे बैठ जाएगा, ऐसा भी नहीं होने वाला, और ना ही हम उनको फिल्टर कर सकते हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी है। चौथी प्रॉपर्टी कि जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं इनके सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होता है इसका साइज बहुत छोटा होता है, सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज जो होता है बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल साइज, वेरी स्मॉल साइज, जब ही तो वो इनविजिबल हो रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना है कि वो इनविजिबल क्यों जाते हैं, दिखाई क्यों नहीं देने लगते, क्योंकि उनका साइज बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो ये कुछ इनकी प्रॉपर्टीज हैं जो कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज हैं। और एक बात और बता दूं कि ये टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते हैं,
टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते हैं। ठीक है, टिंडल, अब यहां पे वर्ड आ गया टिंडल इफेक्ट। तो ये क्या होता है टिंडल इफेक्ट, इस बारे में आप जान लें। जैसे अगर आपने ये, जैसे मान लो इसमें वाटर है, आप यहां से कुछ ना लाइट, ये टॉर्च है, क्या है टॉर्च, टॉर्च से आप लाइट डाल रहे हैं इसके ऊपर, टॉर्च से आप इसके ऊपर क्या डाल रहे हैं लाइट। तो होता क्या है कि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं, अगर सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज, जो लाइट वेव आ रही है, अगर वो लाइट वेव के पार्टिकल्स के, लाइट वेव के मतलब जो है इसके साइज के बराबर है, अगर हमारे सॉल्यूशन का जो पार्टिकल है, जो हमने सॉल्यूशन लिया है, उसके पार्टिकल का साइज इस वेव के बराबर या उससे बड़ा है, तो लाइट जो है स्कैटर कर जाती है, क्या कर जाती है स्कैटर, फैल जाती है। और अगर ऐसा नहीं है तो वो आगे पास नहीं होती है, ठीक है, लाइट का आगे पाथ नहीं खुलता है। तो इसे को कहते हैं टिंडल इफेक्ट, कि जब लाइट की वेव्स जो होती है, मतलब आप जब किसी चीज से लाइट पास करते हो, और अगर पार्टिकल का साइज उसके लाइट के लाइट के वेव के साइज के बराबर है या उससे बड़ा है, तो लाइट क्या हो जाती है स्कैटर कर जाती है। लाइट क्या कर जाती है स्कैटर, स्कैटर मतलब फैल जाती है, उससे लाइट फैल जाती है। और उस लाइट के फैलने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है टिंडल इफेक्ट, उसको क्या बोला जाता है टिंडल इफेक्ट, कि लाइट जब फैल जाती है अपने पाथ से तो उसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, और जब ऐसा नहीं होता तो हम कहते हैं कि टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। तो जो हमारा सॉल्यूशन है ना, वो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता, तो हम लिख सकते हैं डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। कौन, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कभी भी टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता। कौन करता है वो, कोलॉइड एंड सस्पेंशन करते हैं, कोलॉइड एंड सस्पेंशन जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं, बट सॉल्यूशन जो है टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं सॉल्यूशन की, जिनको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम समझ लेते हैं सॉल्यूशन की के टाइप्स, कि सॉल्यूशन कितने तरह का होता है, तो उसको समझते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि सॉल्यूशन जो होता है ना, अब हम बार बार जो सॉल्यूशन का नाम ले रहे हैं, वो ले रहे हैं कि भाई पानी के अंदर आप चीनी मिला रहे हैं या पानी के अंदर आप नमक मिला रहे हैं, तो क्या आप मुझे बताएं कि हमेशा ऐसे ही होता है कि सॉल्यूशन हमेशा एक लिक्विड एंड सॉलिड का ही बनता है, कि सॉलिड और लिक्विड ही जुड़ेंगे तभी सॉल्यूशन बनेगा, कि आप पानी और चीनी, पानी और नमक ये सब मिला रहे तभी आपका सॉल्यूशन बनेगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। जो सॉल्यूशन है वो किसी का भी बन सकता है, सॉल्यूशन सॉलिड प्लस सॉलिड से भी बन सकता है, सॉलिड प्लस लिक्विड से भी बन सकता है, सॉलिड प्लस गैस से भी बन सकता है। ठीक है, सॉलिड प्लस सॉलिड, सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉलिड प्लस गैस। अब बात करते हैं पहले सॉलिड प्लस लिक्विड, इसमें आपका लिक्विड जो है आपका सॉल्वेंट होता है, सॉलिड जो होता है आपका वो सॉल्यूट होता है। ये आपका क्या हो गया, ये मैक्सिमम देखा जाता है कि ये सॉल्वेंट बनता है और ये आपका सॉल्यूट बनता है, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है भाई, शुगर, शुगर एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके पास। ठीक है, कि आपने पानी में चीनी मिला दिया, नमक मिला दिया, और भी चीजें मिला देते हैं, वो सारी चीजें पानी में घुल जाती हैं, तो ये सारे सॉलिड एंड लिक्विड का एग्जाम्पल है। फिर सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, लिक्विड 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 गैस, ये भी होता है, और वही गैस, गैस सॉलिड, गैस लिक्विड, ये तो हो ही गया, और गैस गैस, ये सारे हर तरह का सॉल्यूशन बन सकता है। ठीक है, अब सॉलिड एंड सॉलिड का कहाँ देखने को मिलता है मिक्सचर। ठीक है, सॉल्यूशन अगर हम कहें सॉलिड प्लस सॉलिड का सॉल्यूशन बताओ, तो सॉलिड प्लस सॉलिड का सॉल्यूशन क्या है, एलॉय। एलॉय क्या होता है, हिंदी में कहते हैं इसको मिश्र धातु,
ठीक है, मिश्र धातु, जो आपका मिश्र धातु होता है यानी कि एलॉय, ये आपका सॉलिड प्लस सॉलिड का एग्जाम्पल है सॉल्यूशन का। अब जैसे इस क्या होता है एलॉय, पहली बात तो ये समझ लो एलॉय क्या होता है। जब आप दो या दो से ज्यादा मेटल को आपस में पिघला के, मतलब आप उसका कोई नई नया चीज बनाते हैं, तो वो आपका एलॉय बन जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा स्टील का, आपने नाम सुना होगा ब्रास का, या नाम सुना होगा आपने ब्रॉन्ज का। ब्रॉन्ज सुना है ना, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, कांस्य पदक, जो आप किसी कोई भी गेम खेलते हैं या आपने ओलंपिक देखते हैं या कोई भी ऐसे एथलेटिक्स गेम देखते हैं, तो आप देखते हैं गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, और तीसरा होता है ब्रॉन्ज मेडल। तो जो ब्रॉन्ज होता है वो भी एक एलॉय होता है। ब्रास भी जो होता है, यानी जो पीतल होता है, हिंदी में सुना होगा आपने पीतल, गाना भी सुना है इसके ऊपर आपने, ये दुनिया पित्तल दी, वही वाला पित्तल, ठीक है। तो वो ब्रास जो है वो क्या होता है, ये भी एक तरह का एलॉय होता है जिसमें 70% कॉपर होता है और 30% टिन होता है, ठीक है। टिन नहीं, सॉरी, इसमें जिंक होता है, ठीक है, 30% जिंक होता है। तो इससे मिलकर बनता है आपका ब्रास। ऐसे स्टील भी होता है आपका, और भी बहुत सारे क्या नाम है एलॉय होते हैं। तो ये एलॉय जो होते हैं आपके सॉलिड प्लस सॉलिड के सॉल्यूशन होते हैं। अब आप कहोगे कि ये सॉल्यूशन क्यों होते हैं। एक्चुअल में देखो, एलॉय जो होते हैं ना, उनको हम कभी अलग नहीं कर सकते सॉल्यूशन के। हम ज्यादातर चीजों को, जो सॉल्यूशन होते हैं उनमें हम उनके कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं, जो मिक्सचर होता है उनके कंपोनेंट्स को हम अलग कर सकते हैं, पर इसमें हम अलग नहीं कर सकते। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सॉल्यूशन के पार्ट जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको अलग किया जा सकता है, पर जब हम बात करते हैं एक एलॉय की, तो हम एलॉय के कंपोनेंट्स को अलग नहीं कर सकते। फिर भी हम इसको एक सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं, हम इसको मतलब इसको मिक्सचर क्यों बोलते हैं, हम इसको कंपाउंड क्यों नहीं बोलते, ठीक है। तो इसका आंसर ये रहेगा कि हम इनको अलग नहीं कर सकते, पर जो एलॉय होते हैं ना उसके अंदर हम जो कंपोनेंट मेटल डालते हैं वो उसकी प्रॉपर्टी को शो करता है, वो अपनी प्रॉपर्टी को शो करता है। इस वजह से हम उसे एक तरह का सॉल्यूशन यानी कि मिक्सचर बोलते हैं, ना कि कंपाउंड, ठीक है। तो एलॉय एक तरह का मिक्सचर इसलिए होता है क्योंकि उसके जो कंपोनेंट होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, जबकि जब जो कंपाउंड होता है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कभी भी अपनी प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। इसीलिए जो आपका एलॉय है उसे हम एक तरह का सॉल्यूशन यानी कि एक तरह का मिक्सचर बोलते हैं। तो सॉलिड प्लस सॉलिड के अंदर कौन आ गया, एलॉय। सॉलिड प्लस लिक्विड के अंदर तो आपको पता ही है बहुत सारे होते हैं, शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस सॉल्ट प्लस वाटर, ऐसे बहुत सारे। सॉलिड एंड गैस, सॉलिड एंड गैस का मिक्सचर, तो ये सूट, सूट पार्टिकल्स, यानी कि जैसे आप आग जलाते हैं, ठीक है, जब आप आग जलाते हैं तो उसका कुछ सॉलिड राख जो होती है आपकी हवा में मिल जाती है, तो वो आपका क्या होता है, सॉलिड एंड गैस का मिक्सचर होता है। या जो फाइन सैंड इन एयर, एयर में, एयर के अंदर जो मिट्टी होती है वो भी एक तरह से हम कह सकते हैं सॉलिड एंड गैस का सॉल्यूशन है। फिर जो लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन आपको पता ही है, मिल्क प्लस वाटर, एल्कोहल प्लस वाटर, ये शाम को मौसम बनाने का काम आता है, पता है ना, पानी में मिले लगे तो लगे पानी जैसी, वही वाली बात, दारू और पानी, ठीक है, मिल्क और वाटर, जब आप दूध में पानी मिला देते हैं तो लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन हो गया। लिक्विड गैस, लिक्विड गैस जो आप कोको कोला, थम्स अप, स्प्राइट पीते हैं, तो आप देखते हैं कि लिक्विड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके साथ मिला दी जाती है। तो जो आपके सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक जो होते हैं, ये आपके किसके एग्जाम्पल हैं, ये लिक्विड प्लस गैस के एग्जाम्पल है। और गैस प्लस गैस का तो आपको पता ही है एयर, कि हमारा एयर जो है वो गैस प्लस गैस का सॉल्यूशन है, कि उसके अंदर बहुत सारी गैसेस मिक्स होती हैं। तो ये आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया कि जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन हमेशा सॉलिड एंड लिक्विड का ही बनेगा। सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन जो है हमारा किसी का भी बन सकता है, सॉलिड सॉलिड का ही बन सकता है,
सॉलिड लिक्विड का भी बन सकता है, सॉलिड गैस का भी बन सकता है, लिक्विड लिक्विड का भी बन सकता है, लिक्विड गैस का भी बन सकता है, एंड गैस गैस का भी बन सकता है। अब इसमें इसमें आपको ये चीज हमेशा देखनी है, मतलब ये चीज हम आप एक बार चेक कर लेना कि कौन सी चीज इसमें से सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट। वो तो ऑब्वियस सी बात है, आप चेक कर लेंगे, जो ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट होगा, और जो कम अमाउंट में है वो क्या होता है, सॉल्यूट। जैसे कि अगर हम इन्हीं में बात करें तो जो अमाउंट जो ज्यादा अमाउंट में मिल रहा है वो आपका सॉल्वेंट हो गया, जो कम अमाउंट में मिल रहा है सॉल्यूट हो गया। वाटर एंड शुगर, आपको पता है कि वाटर ज्यादा अमाउंट में होता है सॉल्वेंट, ये कम अमाउंट में तो ये सॉल्यूट, ये सॉल्यूट ये सॉल्वेंट। सूट पार्टिकल्स में गैस, यानी गैस ज्यादा होगी सॉल्यूट कम होगा, तो गैस यहाँ पे जो हो जाएगा ये सॉल्वेंट हो जाएगा, ये सॉल्यूट हो जाएगा। तो लिक्विड एंड गैस का जो है, तो इसमें आप देख रहे हैं सॉफ्ट ड्रिंक, तो इसमें आपको पता है कि लिक्विड ज्यादा अमाउंट में होता है और गैस कम अमाउंट में होता है, तो यहाँ पे ये आपका क्या बन गया, सॉल्वेंट, और ये क्या बन गया, सॉल्यूट। ठीक है, और लास्ट में गैस गैस, इसमें कोई भी जो भी गैस ज्यादा अमाउंट में होती है वो आपका सॉल्वेंट है, और जो गैस कम अमाउंट में होती है तो वो आपका सॉल्यूट है। तो यहां तक हमने सॉल्यूशन के बारे में समझ लिया, इसके बाद हमें समझना है कोलॉइड एंड सस्पेंशन के बारे में, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आप यहां तक रिवाइज कर लीजिएगा, इसके आगे हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।